हेलो बच्चों, वेलकम JCLC। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका DSM का पेपर में 21st, ठीक है। और पहले बच्चों अपन इसमें क्या है, इसमें इस पेपर के अंदर जो आपके जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो है फंक्शन और ITF, ठीक है। तो बच्चों अपन सबसे पहले जे मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी वन रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास बच्चों इक्वेशन अपने पास यहाँ पे क्या है, अपने पास बच्चों ये इक्वेशन दे रखा, ठीक है ना, ये वाला राइट, इज सिक्स टाइम्स ऑफ अदर रूट, ठीक है ना। तो मान लीजिए बेटा इसका एक रूट अल्फा है, तो दूसरा क्या आएगा बोलो भाई, सिक्स अल्फा आ जाएगा, ठीक है। एक अल्फा, दूसरा क्या आएगा, सिक्स अल्फा आएगा। तो बेटा आप जानते ही हो कि यहाँ पे सम रूट्स क्या आएगा, सात अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सात अल्फा विल बी सात साइन इनवर्स एक्स। तो पहले बच्चों यहाँ पे अल्फा का मान क्या आएगा बोलो भाई, अल्फा विल बी साइन इनवर्स एक्स, एल्फा विल बी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहां से देखा, इफ एम एंड एन, सॉरी कैपिटल एम और स्मॉल एम आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो यार आप जानते हो यहां से है ना कि रूट्स का प्रोडक्ट यहां से क्या आएगा बोलो, रूट्स का प्रोडक्ट यहां पे क्या आएगा बोलो, छह एल्फा स्क्वायर विल बी, छह एल्फा स्क्वायर विल बी सिक्स एल्फा स्क्वायर विल बी 12 पाई साइन इनवर्स एक्स। क्या आएगा बेटा, 12 सिक्स अल्फा स्क्वायर विल बी 12 पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आएगा बेटा, ठीक है ना। तो आप आराम से निकालेंगे, आप अल्फा पुट कर दीजिए आप, तो ये आएगा 6 इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 12 पाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहां पे एफ एक्स निकाल लीजिए आप, तो यहां से अपने पास एफ एक्स क्या आएगा बोलो बेटा, छह वहां से मैंने कॉमन निकाल लिया और ये बन गया साइन ऑफ एक्स माइनस का टू पाई साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना बेटा, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। क्या करना बेटा मुझे, इसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ पहले बेटा। मैं क्या कर दूँ बेटा, यहाँ पे मैं पाई स्क्वायर ऐड कर दूंगा, पाई स्क्वायर माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखिएगा बेटा ये सिक्स इंटू ये वाला पार्ट बन गया साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई का पावर टू माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। अब एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा बेटा, जब साइन इनवर्स एक्स आपका पाई बाय टू होगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा ना, ये छोटा जाएगा बेटा ये, ठीक है ना। तो एफ एक्स का बेटा मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा अपने पास, सॉरी मिनिमम कब आएगा बेटा, जब हमारे पास ये इसका मान क्या होगा पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस पाई इसका होल स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर, ठीक है। और बेटा इसका कंप्लीट का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब इसको मैक्सिमाइज करूंगा मैं, मतलब साइनस इसको मैं ऐसे कह लूंगा बेटा माइनस का पाई बाय टू, क्योंकि साइनस एक्स हमारा कहां से कारण करता है, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में जो होता है, ठीक है ना। तो यहां से अपन इसको क्या ले लें, इस साइन इनवर्स एक्स को माइनस का पाई बाय टू ले लें, तो ये बनेगा माइनस का थ्री पाई बाय टू, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा नाइन पाई स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो इसको माइनस करने पे वहां से आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो बेटा आपके पास स्मॉल एम और कैपिटल एम बच्चों यहां से वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद अपने पास सवाल का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा सिक्स, ठीक है ना। सो पहले सवाल का जो आंसर बनेगा अपने पास वो बन जाएगा सिक्स, ठीक है, पहले सवाल का सिक्स विल बी आंसर। नेक्स्ट देखा फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो बेटा अपने पास क्या भाई, इस वाले पार्ट का पीरियड क्या आएगा टू आएगा, इस वाले पार्ट का क्या आएगा पीरियड बेटा वन आ जाएगा। सिग्नम ये क्या स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक का फैक्टर का डी क्या अलग से जीरो है, तो इसका पीरियड कुछ भी आएगा, और ये भी क्या आपके पास जीरो जाएगा, है ना, ये भी आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या बेटा टू आ जाएगा, टू है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर, सॉरी इसका आंसर जाएगा बेटा टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल, इफ साइन इनवर्स साइन, बेटा अपने पास रखा साइन इनवर्स
क्या बेटा साइन क्या बेटा साइन इनवर्स साइन 5 इज मोर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। देन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो सवाल को भी थोड़ा सा लेंदी सवाल रहेगा, बट आपको पता है कि साइन में साइन 5 का बेटा वैल्यू निकाल लीजिए पहले आप। कैसे निकालेंगे बोलो? ये पाई बाय टू, ये माइनस का पाई बाय टू, ये पाई, ये तुम्हारे पास 3π/2, ये 2π। तो यहां पे बेटा इसका ब्रांच ग्राफ कैसा रहेगा तुम्हारे पास? ऐसा ग्राफ रहेगा या बेटा ऐसा ग्राफ रहेगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो 5π तो लगभग बेटा तुम्हारे पास यहां पे जाएगा यहां पे, ठीक है ना। तो ये ब्रांच तुम्हारे पास कौन सी बोलो बेटा? एक्स माइनस का 2π। तो 5π इसका मान क्या बन जाएगा बोलो भाई? 5 - 2π ये क्या बोलो बेटा है ना, मोर देन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। अब पूरी तरह से क्वाड्रेटिक बन गया बेटा, उसको सोल्व कर ले आप। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 5 प्लस 2π लेस 0 है ना, इसको सोल्व कर ले आप। तो बेटा आपके पास इंटीग्रल वैल्यू बेटा क्या जाएंगे? 3 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है ना। सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, ड्राचार्य फॉर्मूला से बेटा इसको क्या कर लेंगे आप? सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट बेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए बस, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, फोर्थ वन। देखो यहां से अपने पास क्या रखा है आपको है ना, इसके चार रूट दे रखे हैं भाई। इसके चार रूट बेटा क्या आ रहे हैं? इसके चार रूट हमारे पास आ रहे हैं x1 x2 x3 और x4। आपको पता है बेटा, तो यहां पे समो रूट्स क्या है बोलो भाई? समो रूट्स यहां से बेटा क्या जाएगा बोलो? साइन 2β। दो दो का बेटा प्रोडक्ट यहां से क्या आएगा बोलो? कोस 2β। और बेटा तीन तीन का ऐसे प्रोडक्ट क्या है बोलो? x1 x2 x3 माइनस प्लस माइनस, तो क्या बन जाएगा? कोस बीटा। और x1 x2 x3 x4 चार का प्रोडक्ट बेटा ऐसे क्या बन जाएगा बोलो? माइनस का साइन बीटा, ठीक है। अब आपको यहां से फाइंड क्या करना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो बेटा इसकी यहां पे फॉर्मूला सीधा क्या हो जाएगा बोलो? टैन इनवर्स सिग्मा x1 माइनस सिग्मा x1 x2 x3 अपॉन 1 माइनस सिग्मा x1 x2 और प्लस सिग्मा x1 x2 x3 x4 बेटा। तो सब कुछ बस यहां पुट कर दें आप, तो आपके पास आंसर बन जाएगा बेटा है ना। तो टैन इनवर्स सिग्मा x1 x2 x3 इसका मान क्या बेटा? साइन 2β माइनस x1 x2 x3 का मान बेटा क्या? भाई कोस बीटा है अपॉन 1 माइनस सिग्मा x1 x2 का मान क्या बेटा बोलो? भाई कोस 2β है और इसका मान क्या बेटा? माइनस का साइन बीटा। अब इसको सोल्व कर ले यहां से, ठीक है। इसको सोल्व करने बेटा अपने पास यहां पे क्या आएगा देखिएगा, साइन 2β माइनस का कोस बीटा, ठीक है। अब यहां पे सीधा फॉर्मूला लगा दें आप, यहां पे सीधा बेटा फॉर्मूला लगा दें आप यहां पे। तो फॉर्मूला लगाने से यहां से अपने पास क्या आएगा भाई? फॉर्मूला लगा दें बस यहां पे। तो साइन 2β अपने पास क्या है बोलो? देखो बेटा, टेन इनवर्स 2 sin β कोस बीटा माइनस का कोस बीटा अपन 1 - cos 2β बेटा क्या है बोलो भाई? 2 sin²β माइनस का साइन बीटा। तो बेटा यहां से अपन देख पा रहे हैं कि टेन इनवर्स ऊपर से कोस बीटा कॉमन ले लिया, तो 2 sin β माइनस 1 अपॉन नीचे से बेटा साइन बीटा कॉमन ले लिया, तो 2 sin β माइनस 1 इसे कट गया आपका, तो ये बन गया कोट बीटा।
तो कोट बीटा को यहां से हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाय टू माइनस बीटा। तो आंसर क्या बन गया इसका, टेन पाई बाय टू माइनस का बीटा, बेटा आंसर क्या बन गया, फाइव सॉरी फोर, सेकेंड आंसर बन गया इसका। नेक्स्ट आ जाओ पांचवें सवाल पे, हमारे बेटा पांचवा सवाल हमारे पास यहां पे देखिए क्या है, इक्वेशन ठीक है ना, एक्स पावर थ्री हेलो बेटा, वॉइस प्रॉपर आ रही क्या, यस प्रॉपर वॉइस है क्या, यस थोड़ा अपने पास अशोक जी, अशोक जी, अरे गुरु लाइट बीच में, गुरु अशोक जी नु सर थोड़ा दो मिनट आओ ना, बीच में लाइट ट्री मार गई, वो पीपीटी वापस रिस्टार्ट हो गई, हाँ पैनल बंद हो गया, देखो ना जाओ गुरु यार, क्या कि बोल देंगे फिर वो रिकॉर्ड होगा नहीं। पांचवें सवाल पे था मैं, ये कम कैमरा हो ना क्या, हो ना ठीक है गुरु। तो बेटा अपने पास यहां पे क्या है, इफ एक्स पावर थ्री प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज वन रूट एल्फा नॉट एक्स नॉट देन वैल्यू ऑफ दिस वन। तो बेटा अपने पास जान रहे हो आप यहां पे हमारे पास क्या है, बोलो आप देख पा रहे हैं यहां पे कि मैंने एक्स को जीरो रखा तो यहां पे क्या आएगा, वन विच इज पॉजिटिव, एक्स को मैंने यहां पे माइनस वन रखा तो क्या आएगा, माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू प्लस एक, इसे कट गया। अब बेटा यहाँ से क्या, p का मान क्या, q छोटा है तो ये चीज़ नेगेटिव आ गई, तो माइनस वन पे क्या नेगेटिव, तो पक्की बात है इसका एक रूट कहाँ पे आएगा, बोलो माइनस वन से जीरो में आएगा। मीन्स x नोट कैसा बेटा आपका, योर x नोट इज नेगेटिव, x नोट बेटा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है। अब बस फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए आप, टू टेन इनवर्स कॉस एक्स नोट बेटा क्या जाएगा, बोलो भाई इसको टेन इनवर्स बना दीजिए बेटा, क्या बोलो भाई, 2 इंटू कोसेक एक्स नॉट अपॉन वन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा तुम्हारे पास माइनस का पाई प्लस, ठीक है ना, एल्स में लेके बन जाएगा बेटा माइनस का पाई प्लस टेन इनवर्स, ठीक है ना, क्या बन जाएगा बेटा
माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, एग्जैक्टली बेटा ये क्या बन जाएगा, ये क्या एग्जैक्ट, ठीक है ना, टू इंटू साइन इनवर्स एक्स नॉट इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स नॉट, ये बेटा ऐसे कट जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस पाई। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी बेटा करेक्ट, फर्स्ट बेटा इसका सवाल का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हमारे पास क्या है, इफ एफ एक्स दिस वन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो बेटा पहले इसको ढंग से देख लेते हैं अपन, मोड एक्स तो यहां से बाहर आ गया, मोड एक्स इंटू यहां पे क्या है बोलो, टेन से बेटा टेन भी उड़ गया आपका, तो यहां पे वन पे जीरो पे एक, वन बाई टू प्लस वन बाई टू पावर टू अप टू इन्फाइनेट, तो यहां पे क्या बन गया बेटा, मोड एक्स इंटू वन अपॉन वन माइनस का वन बाई टू, तो यहां बन गया आपका टू इंटू मोड एक्स, ठीक है बेटा। एफ एक्स आपके पास क्या बन गया, टू इंटू मोड एक्स बन गया, तब पूछा आपसे देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, इसके बेटा आंसर पूछा आपसे, तो टू इंटू मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बेटा, तो इसका आंसर निकालने अपने को, तो ये बन गया हमारे पास टू इंटू मोड एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ग्राफ बना लो आराम से, बस दोनों ग्राफ कैसे बनेंगे बोलो, टू इंटू मोड एक्स का बेटा ग्राफ तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा ये वाला, और वन माइनस एक्स स्क्वायर बेटा ग्राफ कैसा बनेगा भाई, इसका बेटा ग्राफ तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक आंसर यहाँ पे, एक आंसर यहाँ पे, तो इसके दो आंसर आ जाएंगे बेटा, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी टू, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ सातवें पे, बड़ा सेवंथ पार्ट में अपने पास किया था रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर बीस, है ना, तो सिंपल सवाल है, क्या करना अपने को, बस सिंपल सी बात है, एफ ऑफ टू को क्या कर दें, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास टू है, यहाँ पे बेटा फोर है, तो क्या आपके पास ये द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फोर इज दिस सेट कंटेन्स द इंटरवल दिस वन, तो बेटा टू से फोर मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए आपका, तो एफ ऑफ टू भी क्या आपका लेस देन इक्वल टू जीरो, और बेटा एफ ऑफ फोर भी तुम्हारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना बेटा। इन दोनों को सोल्व करने में आप देखेंगे कि आपके पास आंसर क्या रहा है, थ्री से इन्फाइनेट, है ना, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन करना बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 8, इफ एफ आर सी आर फंक्शन डिफाइंड एज दिस वन, इफ एन इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो बस कर लीजिए इसको, एफ एक्स अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस चार को अलग लिख दिया मैंने, तो एक प्लस 32 इंटू मोड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस चार, ठीक है, इसको मैंने फर्दर यहां पे ऐसा कुछ लिख दिया, 1 प्लस 32 मोड एक्स से भाग लगा दिया, तो ये मोड एक्स प्लस ये चार बटा मोड एक्स, अब बेटा ये वाली चीज हमारे पास क्या बन गई बोलो, मोड एक्स प्लस चार अपॉन मोड एक्स, इसमें ए एम जी हम लगा देंगे प्रॉपर्टी, सो दैट विल बी मोर देन इक्वल टू फोर, है ना, ये बेटा चार होगा तो ये 32 बटा चार आठ, ये नौ आ जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा नौ, जब ये बेटा इन्फाइनेट होगा तो यहां पे क्या आएगा बेटा एक, तो एक से लेकर नौ, तो एक से नौ में इंटीजर कितना है यार नौ है, तो एन का मान यहां से क्या बन गया बेटा नौ बन गया, एन का मान यहां से क्या बन गया नौ, ठीक है। तो आपको यहां से भी फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइन इनवर्स साइन नाइन प्लस कोस इनवर्स कोस नाइन, ठीक है, इसको फाइंड करना बेटा पाई आंसर जाएगा, ठीक है ना, पाई विल बी द आंसर, बेटा पाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाइन सवाल देखिएगा, नौवा सवाल देखिएगा, नाइन्थ बेटा क्या है, इफ दिस वन देन पॉसिबल सेट ऑफ, तो पहली बात तो यहां पे क्या बेटा मोड एक्स कैसा बनेगा पॉजिटिव, मोड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना, इट शुड बी पॉजिटिव। दूसरी बात आपके पास साइन एक्स बेटा कैसा बनना चाहिए आपका पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू वन, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा पॉजिटिव कब होगा पता है आपको, जब एक्स का मान क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है ना, तो एक्स आपके पास यहां पे कहना चाहिए बेटा पॉजिटिव। और दूसरी बात यहां पे क्या है, वाई क्या आएगा बेटा बोलो भाई, वाई तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आपका ना पॉजिटिव पे एक आ जाएगा, इसका मान बेटा एक आएगा, ठीक है ना, और लॉग वन का मान क्या होता है जीरो, तो सीधी सी बात ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं अपन, कहां से वाई का मान कहां से आएगा बेटा, बी सी बात है कि वाई कहां पे जीरो वन में नहीं आ सकता, वाई बेटा कहां पे आएगा जीरो में नहीं सकता, तो या तो आंसर इसका दूसरा और चौथा, बट जीरो से इनफाइनाइट में आपको देखना पड़ेगा, वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे ना बेटा जहां पे आपके पास ये साइन एक्स क्या है नेगेटिव और वन है,
ठीक है, तो आपका ये सेकंड वाला भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा बचेगा, तीसरा बचेगा डायरेक्ट, ठीक है, तीसरा सही बच गया। नेक्स्ट देखिएगा दसवां सवाल, तो यहां पे अपने क्या ज्ञात करना भाई, तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमारे पास एफ एक्स क्या बनेगा बेटा, हमारे पास एफ एक्स बनेगा एक्स पॉजिटिव पे क्या बनेगा यार ये 3x, और एक्स नेगेटिव पे क्या बनेगा बेटा एक्स, और हमारे पास जी एक्स क्या बनेगा बेटा, जी एक्स हमारे पास बनेगा दो ब्रांच इसकी भी खुलेंगी बेटा, एक एक्स पॉजिटिव वाली, एक्स पॉजिटिव ये बनेगा एक्स, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स बाई थ्री, और जी एक्स हमारे सॉरी एक्स नेगेटिव भी क्या बनेगा बेटा ये माइनस एक्स, तो बेटा एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। अपने को क्या करना है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो बेटा एफ ऑफ जी एक्स यहां से क्या बनेगा देखिएगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या बनेगा जब एक्स पॉजिटिव होता है एक्स बाई थ्री, एक्स पॉजिटिव पे थ्री एक्स, तो एक्स बन जाएगा एक्स पॉजिटिव पे, एक्स नेगेटिव पे क्या बनेगा बेटा ये एक्स है ये भी एक्स है, तो यहां पे एक्स, तो एच एक्स आपका क्या बनेगा सीधा सा आपका बेटा एच एक्स यहां से क्या बन गया एक्स बन गया आपका, तो एच ऑफ है ना एन टाइम्स के लिए भी क्या आपका एच एक्स ही आएगा मतलब एक्स ही आएगा, तो सीधी सी बात है बेटा ये वाला पार्ट तुम्हारे पास क्या बन गया बोलो साइन इनवर्स एक्स। अब पूछा इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या होता है बोलो माइनस एक से लेके एक होता ही है, ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 11वें सवाल पे, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन एंड जी एक्स इनवर्स ऑफ दिस वन, ठीक है बेटा, देन जी डस एक्स इज इक्वल टू, तो बेटा आपका एफ एक्स यहां पर क्या दिया आपने को, एफ एक्स आपको दिया है एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स को मैं टेन एक्स रिप्लेस, एक्स को मैं जी एक्स रिप्लेस कर रहा हूं, तो एफ ऑफ जी एक्स मेरे पास क्या है बेटा जी एक्स प्लस टेन ऑफ जी एक्स, ठीक है ना बेटा, ये तो आपका इनवर्स है तो एक्स बन जाएगा, तो एक्स बराबर जी एक्स प्लस टेन ऑफ जी एक्स, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो यहां पे जाएगा वन, यहां पे जाएगा जी डस एक्स, और यहां पे क्या जाएगा बेटा टेन का सेक्स स्क्वायर जी एक्स, और इंटू जी का जी डस एक्स, ठीक है ना बेटा, तो यहां तुम्हारे पास जी डस एक्स क्या बन जाएगा बेटा आपका यहां पे जी डस एक्स बन जाएगा एक बटा वन प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर को मैं यहां से लिख दूंगा वन प्लस टेन स्क्वायर जी एक्स, तो यहां बेटा ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक बटा दो प्लस टेन स्क्वायर, और जी एक्स आपको यहां से क्या बनेगा बेटा जी एक्स हमारे पास यहां बन जाएगा क्या बेटा तुम्हारे पास ये जी एक्स है ना, तो तुम्हारे पास जी एक्स बेटा बन जाएगा ये अच्छा टेन जी एक्स देख लो, टेन जी एक्स बेटा वहां से क्या बन जाएगा टेन जी एक्स एक्स माइनस जी एक्स रहेगा ना, तो जाएगा एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास ये दो प्लस टेन स्क्वायर सॉरी दो प्लस है ना आपके पास टेन जी एक्स, टेन जी एक्स अपने पास क्या है जी एक्स माइनस एक्स, तो बेटा ऑप्शन नंबर तीन विल बी करेक्ट है ना, थ्री विल बी करेक्ट। अब आ जाओ नंबर सवाल नंबर 12 पे, ये तो अगेन आपका सिंपल सा सवाल है, बारहवें सवाल में क्या दिया बेटा वेयर दिस वन है ना एफ एक्स माना ओड फंक्शन है, तो बस लगा दो जी में क्या लगा दो माइनस एक्स, यहां पे लगाया तो एफ ओ माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया आपका, और यहां पे एक बटा ए पार माइनस एक्स माइनस का एक प्लस एक बटा दो इंटू एफ एक्स, आप इसको बैलेंस करके लिखेंगे ना बेटा, तो आपके पास फिर से बेटा क्या बन जाएगा तुम्हारा जी एक्स ही बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास जी एक्स विल बी इवन फंक्शन, ठीक है, सिंपल सवाल था। 13वें बेटा आ जाओ, स्टेटमेंट टाइप से दिया अपने को 13वें सवाल में, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन देन इनवर्स बिल्कुल ट्रू है, एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन देन एफ इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन नो फॉल्स है, क्यों बेटा कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है मेनी वन होता है उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, इफ ग्राफ अच्छा ये बेटा ये भी तुम्हारे पास क्या इनवर्स इसका निकालेंगे ना आप, तो यहां पर क्या आएगा वाई हमारे पास क्या एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स है, अब इसका इनवर्स निकालें बेटा ये ट्रू तुम्हारे पास, ठीक है, ये बेटा फॉल्स आपका, क्योंकि इनवर्स एफ एक्स और इनवर्स आर इंटरसेक्टिंग देन दे ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन द लाइन y = x, ठीक है, इसके लिए काफी एग्जांपल बना सकते हैं बेटा देखो, ठीक है ना, मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है
एक फंक्शन ऐसा था, ठीक है, तो उसका इन्वर्स कहां पे आएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, बट उसका इंटरसेक्शन क्या आपका लाइन से बाहर हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं बेटा कि एफ एक्स और उसका इन्वर्स क्या है, वाई बराबर एक्स लाइन पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो ये अपने पास स्टेटमेंट थ्री का आपका फॉल्स है। तो अपने पास क्या बन गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ 14 नंबर पे, तो बेटा आपके पास है ना ये सब्जेक्टिव ट्रू है, ये आपका क्या है फॉल्स है, फिर ये अपने पास क्या बेटा चार बीच में आ जाएगा, तो यूनियन इसमें चार बेटा यहाँ पे आ सकता, तो ये आपका फॉल्स हो गया, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स। और बेटा यहाँ पे इसके आंसर आप आराम से काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो पॉजिटिव काउंट कर सकते हो। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर क्या बनेगा 14 वाले पार्ट का, बेटा ये आपके पास टू बोल रखा है ना, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना, फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, इसको काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से अपन, ठीक है, वन बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो उसको अपन काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से, तो इस सवाल का आंसर आ रहा है 4f, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे आपका, इसको भी वो ब्रेक कर लीजिए आप, इसको हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स का पावर दो प्लस कोट इनवर्स एक्स का पावर दो, इसको हम यहां से लिख देंगे बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स एक्स इसका पावर दो माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू कोट इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा, इसका मान क्या पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई फोर माइनस का टू इंटू टेनवर्स एक्स, बेटा इसको भी क्या करते हैं आप यहां से पाई बाई टू माइनस का टेनवर्स एक्स की फॉर्म में ब्रेक कर लें, और ये अपने पास क्या पांच पाई स्क्वायर बाई एट है। अब इसको सोल्व करना है बेटा, आपका टेनवर्स एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, और बेटा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बेटा बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो बच्चों अपने ये जो जे एडवांस का सेक्शन है अभी इसको स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है ना, जे एडवांस वाले सेक्शन को बच्चों अभी सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो इस प्रॉपर आ रही ना, सब कुछ फैंटास्टिक है, यस ओके। तो बेटा अपने पास पहला सवाल है, ठीक है ना, अपने पास एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास बेटा एफ एक्स ये रखा है, एफ एक्स हमारे पास क्या बनेगा बेटा टू एक्स प्लस वन का पावर दो प्लस एक, दिस इज एफ एक्स। और बेटा हमारे पास जी एक्स क्या बोलो, जी एक्स हमारे पास बेटा क्या है दो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अपने बोला गया है लेट एफ एच ओ एक्स डिफाइन डिशन है ना, तो बेटा एच एक्स यहाँ से अपना क्या बन गया, बोला बेटा एच एक्स बन गया जी एक्स, तो दो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन दो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बेटा एक, तो ये फंक्शन किस टाइप का बन गया आपके पास, बन गया बेटा एक्स स्क्वायर बेटा वन प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन बन गया, ठीक है। तो ये आपका किस क्या आपका ये वन वन भी नहीं है आपका, और आपका वन टू भी नहीं है ना, वन वन भी वन टू भी है, तो नीदर वन इंजेक्टिव नो सब्जेक्टिव, ठीक है, सो सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे जाओ, सेकंड सवाल अपने पास क्या है पे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन, ठीक है ना, तो बेटा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को काउंट कर रहे हैं, तो बेसिक बात बेटा ये आपका जो दिख रहा आपको ये एफ एक्स क्या अपने पास, एफ एक्स मेरे पास क्या दो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक है, और जी एक्स मेरे पास क्या बेटा, जी एक्स मेरे पास क्या है दो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये बेटा इक्वेशन एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसका मान जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है, तो दो एक्स प्लस वन पावर टू इट शुड बी जीरो, तभी तो बेटा जीरो प्लस वन वन बनेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या माइनस एक से प्लस एक होता है, ठीक है ना, तो इसका डोमेन क्या आएगा जीरो से लेकर एक माइनस है, तो इट शुड बी जीरो, तो एक्स का मान क्या है बोलो माइनस का एक बटा दो, तो उसने मैंने क्या बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो इसका बेटा एक आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, तीसरे सवाल पे आ जाओ, ठीक है ना बेटा, इसको थोड़ा सा दिमाग ला आईक्यू से बताए इस सवाल को अपन बना सकते हैं, देखो कैसे अपने पास द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज शोन इन द फिगर, है ना बेटा, आपको ग्राफ दे रखा है, तो आप देख पा रहे हैं कि एफ एक्स का मेरे पास डोमेन यहाँ पे क्या है, हमारे पास एफ एक्स का डोमेन क्या बेटा माइनस चार से प्लस तीन, माइनस चार से लेके प्लस का तीन है, है ना, माइनस चार से लेके और प्लस का तीन है, ठीक है ना, दिस इज द डोमेन, ये बेटा डोमेन बनेगा किसका, डोमेन ऑफ एफ, और बेटा रेंज ऑफ एफ यहाँ से क्या बनेगा बोलो, एफ का रेंज बन रहा आपके पास जीरो से लेके पांच, क्या बन रहा बेटा जीरो से लेके पांच, ठीक है। तो पूछा गया है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, तो माइनस चार से प्लस तीन तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि माइनस चार से प्लस तीन के अंदर बेटा एक पॉइंट माइनस चार पे पक्का क्या बन गया पांच बन गया, सॉरी चार बन गया, ठीक है, और चार का बेटा एफ एक्स के डोमेन में नहीं है,
तो बेटा माइनस से आर तो डोमेन में नहीं आ सकता, तीन भी क्या बेटा तीन भी नहीं आ सकता क्योंकि तीन में पांच बन रहा है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ओ पांच क्या बेटा डिफाइंड नहीं है, तो ये इसका डोमेन नहीं हो सकता, डोमेन विल बी दिस वन। ठीक है, अब इसका बेटा अपने पास यहाँ पे क्या है, जब इसको अपन सोल्व करेंगे ना, हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, ठीक है, और बेटा इसको सोल्व करने अपने पास क्या है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर इसके बेटा सात रूट इसके आ जाएंगे। ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे, कंपोजिशन मैप लेंगे ना, तो उसे सात बेटा इसके रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी करेक्ट, बी एंड सी विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट पर जाओ, तीसरे सवाल पे, सेकंड सवाल पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, टैन इनवर्स, ठीक है ना, ये सीरीज देखना पड़ेगा अपने को, ये सीरीज कौन सा अपने पास, ये अपना सीरीज बन जाएगा बेटा टैन इनवर्स एक बटा टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू। ठीक है ना, एन को वन रखा तो क्या बनेगा बेटा, ये फोर एन स्क्वायर बनेगा, सही दिए फोर एन स्क्वायर, सॉरी हमारे पास बनेगा बेटा ये हमारे पास बेटा सीरीज बन जाएगी टेन इनवर्स वन अपॉन एट एन स्क्वायर, ठीक है, सॉरी फोर एन स्क्वायर प्लस एट एन प्लस का फोर ना बेटा, ये आपकी सीरीज बन जाएगी यहाँ पे ना, दिस विल बी द सीरीज। नहीं सॉरी, आपका सीरीज बेटा यहाँ से आ रही है, ये आपका समेशन किसका है बेटा, आपका दिस इज द व्हाट वी हैव वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस का फोर एन और प्लस बच्चा टू, ये बन जाएगी। ठीक है ना, ये सीरीज बन जाएगी आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सीरीज क्या बन गई बेटा, टेन इनवर्स, ठीक है, टू अपॉन ये बन गया हमारे पास चार एन स्क्वायर प्लस का आठ एन प्लस का चार, दो से गुणा कर दिया बच्चों। ठीक है ना, अब इसको हम फिर से बेटा यहाँ पे क्या ब्रेक कर लेंगे आपका, ठीक है ना, इसको बेटा फिर से अपन ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे, तो बेटा इसको मैं यहाँ से लिख दूंगा टेन इनवर्स दो अपॉन वन प्लस दो अपॉन वन प्लस टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस थ्री, है ना बच्चों, ये अपने पास बन जाएगी सीरीज। ठीक है ना, क्या बन जाएगी, टू अपॉन वन प्लस टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस का थ्री, है ना, वन अपॉन टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस थ्री, ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लीजिए आराम से, तो ब्रेक करने पे देखो इसको मैं दो को क्या लिख दूंगा बेटा, दो एन प्लस का तीन माइनस का दो एन प्लस एक, ये बन जाएगी बच्चों। ठीक है ना, तो हमारे पास डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये सीरीज अपने पास बन जाएगी बेटा टेन इनवर्स टेन इनवर्स, ठीक है ना, दो एन प्लस थ्री माइनस का टेन इनवर्स, ठीक है, टू एन प्लस वन। ठीक है बच्चों, ये अपने पास बन जाएगी सीरीज। ठीक है ना, ये हमारे पास बच्चों यहाँ पे सीरीज आज की आ जाएगी। ठीक है, टू एन प्लस थ्री प्लस का टू एन प्लस वन। ठीक है, अब इसमें बेटा सिग्मा लगा दीजिए आप, तो सिग्मा एन इक्वल्स टू बेटा यहाँ से क्या आपका इन्फाइनेट तक है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगाया तो पहले पार्ट में क्या बनेगा, टेन इनवर्स पाँच माइनस का टेन इनवर्स तीन, आगे बेटा सब कैंसिल जाएंगे तो पाई बाय टू माइनस का टेन इनवर्स तीन, तो बेटा यह बन जाएगा तुम्हारे पास कोट इनवर्स तीन। ठीक है, तो बेटा तो कोट इनवर्स तीन, तो बेटा तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, ये सारे आ जाएंगे इसके मान। ठीक है ना, सारे मान आ जाएंगे इसके। ठीक है, ऑल विल बी, क्योंकि पाई बाय टू माइनस का टेन इनवर्स थ्री बेटा ये भी आ रहा है, ये भी आ जाएगा, सारे इसके मान आ जाएंगे, तो ऑल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सारे बच्चों सवाल के अपने पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर जाओ, तीसरे सवाल पे बेटा थोड़ा इस सवाल का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको अपने देखना पड़ेगा। आर माइनस ए कमा के, सॉरी क्या बेटा अपने पास, आर वन माइनस माइनस वन कमा के गोज टू आर टू एल्फा कमा बेटा। ठीक है, इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव बेटा वन वन ऑन टू फंक्शन एंड डिफाइंड बाय दिस वन। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास जो के है ना, ये जो के डोमेन में क्या, माइनस एक तो पहले से आपको दिख रहा है, यहां से माइनस वन तो यहां पे नहीं हो सकता, तो यहां पे के क्या है, के हैज टू बी द रिपीटेड रूट ऑफ दिस वन, इसका बेटा रिपीटेड रूट होगा के इसका पक्का, तो इसका रूट रिपीटेड होगा तो इसका डी जीरो आ जाएगा, इसका डी निकालो, फिर डी इसका क्या बनेगा बेटा, डी इसका बन जाएगा बी स्क्वायर, तो पी पार चार माइनस का फोर पी स्क्वायर दैट शुड बी जीरो, तो यहाँ पी का मान क्या है बेटा, पी का मान जीरो, पी का मान दो और पी का मान माइनस का दो। ठीक है ना, तो वन वन बेटा पी को मैंने जीरो ले लिया, जब पी को मैंने जीरो ले लिया बेटा, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, ये आपका एफ एक्स यहां से बन जाएगा बेटा, पी को जीरो लेने पे क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा दो एक्स माइनस एक गुणा
टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक और पी को जीरो लेने के बेटा ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सीधी सी बात बेटा आप यहां से देख पा रहे हैं कि हमारे पास, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास यहां पे ना जो बेटा रेंज है उसके अंदर क्या क्या आपका नहीं आ सकता बोलो। x आपका एक तो जीरो नहीं है आपका, तो यहाँ पे x जब जीरो नहीं है तो बेटा यहाँ पे क्या रेंज के अंदर आपका मतलब r में से क्या क्या घटेगा बेटा, r में से तुम्हारा घटेगा एक तो कौन सा जीरो नहीं है बेटा आपका, तो रेंज में क्या क्या नहीं आएगा बेटा बोलो भाई। यहां से आपका एक कैंसिल इसमें हो जाएगा। ठीक है, जब बेटा p का मान जीरो तो k का मान क्या बन गया, फिर जीरो बन गया, k का मान यहाँ पे क्या बन गया जीरो बन गया। ठीक है, k का मान बेटा जीरो बन गया, तो रेंज में से क्या क्या घटेगा बोलो। एक तो बेटा यहां से घट गया आपका, ये जीरो से काटा तो माइनस का एक बच जाएगा, तो माइनस सॉरी जीरो रखा तो एक एक घट जाएगा बेटा एक तो, और एक तुम्हारे पास यहां से बेटा क्या माइनस होगा सॉरी बेटा इस केस में तुम्हारे पास है ना रेंज में से आपका, तो मतलब ये बेटा यहां पे केस बन गया आपका टू एक्स माइनस वन ठीक है इंटू टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इंटू बेटा अपने पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेंज बेटा क्या क्या घट जाएगा देखिएगा आप यहाँ से, तो जब के आपका जीरो से वन में के बेटा आपका जीरो से वन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, के आपका जीरो से वन यहाँ पे आ रहा है, के का मान जीरो लिया मैंने तो हमारे पास क्या आएगा रेंज इसमें क्या कहने सोता बेटा देखो भाई इसको वाई निकाल के देखे ना अपन, तो हमारे पास आएगा बेटा एक तो आएगा एक्स का मान आएगा अपने पास चार और माइनस दो आएगा, चार और माइनस दो आएगा। ठीक है ना, इसको सोल्व करके देखें अपने पास, तो यहाँ से बनेगा फोर और माइनस टू, क्या क्या बनेगा बेटा फोर और माइनस टू बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एफ एक्स ये बन गया, एफ एक्स हमारे पास ये आ रहा ना टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे आप तो वाई निकाल लो इसका, तो वाई में आप क्या करेंगे एक तो एक्स को आप जीरो नहीं रखेंगे, एक क्या दो नंबर आएंगे ना, एक तो एक्स आपका जीरो नहीं हो सकता, एक तुम्हारा एक्स का मान माइनस एक नहीं हो सकता, तो उन दोनों क्रॉसपॉन्डिंग आपका एक तो चार आएगा एक माइनस दो आएगा, तो बेटा ये तुम्हारा अल्फा बीटा बन गया, तो अल्फा प्लस बीटा का ऐसा सम क्या रहा बोलो भाई, ये बेटा आपका टू आ रहा है, क्या बेटा टू आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन होगा आपका पहला सही। ठीक है, उसके बाद यहां से अपन क्या कर रहा है इसी टाइप से पी को जब दो रखेंगे आप, तो यहां पे रख लो बेटा ये फैक्टर बना लो, ये फैक्टर बना लो, तो वहां से क्या आपका जैसे पी को मैंने दो रखा तो ये नीचे वाला क्या बनेगा आपका, नीचे वाला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी को दो रखा तो चार एक्स प्लस का चार, तो यहाँ पे क्या बन गया एक्स माइनस दो का स्क्वायर बन गए, तो यहाँ पे के का मान क्या अभी दो बनेगा, तो जब के आपका एक से दो में बिलोंग कर रहा है बेटा एक से तीन में मतलब दो आ रहा है, तो बेटा वहां से क्या आपका वहां से वाई निकाल लेंगे, तो वहां से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो बच्चों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसके दो आंसर आ जाएंगे अपने पास, एक तो पहला आ रहा है एक बेटा आपका अल्फा प्लस बेटा आपका छह आ जाएगा। ठीक है, तो पहला चौथा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फाना विच इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन। ठीक है, ये बेटा तो पहली बात तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए माइनस एक से प्लस एक, तो अपने पास पहली बात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स टू बी फ्रॉम जीरो टू बेटा वन है ना, जीरो से लेकर वन पक्का होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो एक्स यहां से क्या बनेगा आपका डोमेन ऑफ एक्स आर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है जब दस रखा तो ज्यादा जाएगा, तो डोमेन एफ एक्स का क्या माइनस वन से जीरो। अच्छा, इसके अंदर देखें अपन माइनस एक से लेकर जीरो में देखें, माइनस एक से लेकर जीरो में इसको देखें अपन, तो क्या बनेगा बोलो भैया टू एक्स प्लस वन बन जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव, और वो यहाँ पे क्या है पहले तो बेटा ऑब्वियस बात है कि ना माइनस एक से लेकर जीरो में कैसा आएगा भाई, पहले तो नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा, तो पहले बेटा घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा आपका माइनस का वन बाई टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस का वन बाई टू, माइनस वन बाई टू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा एक बटा चार माइनस का एक बटा दो प्लस का एक, तो चार एलसीएम आ गया, तो एक माइनस का दो प्लस का चार तो पाँच, तो तीन बटा चार, तो यहाँ बेटा क्या बन गया रूट थ्री बाई टू बन गया। ठीक है ना, तो यार दिख रहा है कि माइनस एक से लेके जीरो में ये क्या बन रहा है रूट तीन से लेके बेटा एक में आ रहा है, ये भी क्या है एक कोमा एक ही है सॉरी जीरो कोमा एक है, ये भी क्या बेटा माइनस एक पे क्या है इसका एक ही मान है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या बन गया ये बन गया। ठीक है, अब बात करें इसके अपन, तो रूट तीन से लेके एक में जा रहा है, रूट तीन से बड़ा कौन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है ना, तो बेटा ये रूट तीन तीन बेटा चार आएगा ना, तो रूट तीन बेटा दो गया बेटा। ठीक है ना, इसका रूट वन ये जीरो से वन आ जाएगा बेटा। अब इससे साइन इनवर्स लगा दें अपन, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बेटा ये कहाँ बन गया आपका पाई बाय टू से छोटा और यहाँ पे पाई बाय थ्री से बच्चों बड़ा। ठीक है,
अब इसे अपन लोग लगा दें तो लोग क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये लोग ईवीएस लगा दे बच्चों ना, तो ऑब्वियस बात है ये लोग लगाने पे क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो से वन में आ जाएगा उसका, उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। तो इसका रेंज बन जाएगा बच्चों जीरो और डोमेन बन जाएगा आपका, तो बी एंड सी विल बी करेक्ट, बी एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ, पांचवें सवाल पे। फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई दिस वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो बेटा आप एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा देखिएगा, लॉन्ग, ठीक है, यह बन जाएगा अपने पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस एक्स। ठीक है, पहले एफ एक्स निकाल लो, है ना, पहले एफ एक्स निकाल लो। इसकी पावर बेटा यहाँ पे कितनी है बोलो, एक बटा तीन है, प्लस यहाँ नेक्स्ट में बेटा क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका अंडर रूट है, माइनस एक्स है, इसकी पावर बेटा हमारे पास क्या है बोलो, एक बटा तीन है। ठीक है, इसकी पावर बेटा एक बटा तीन है। अब एफ एक्स को यहाँ माइनस कर दो तो बेटा ऑब्वियस बात है ये पहले आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, तो एफ एक्स का इवन फंक्शन बन गया आपका। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बेटा, एफ ओ माइनस एक्स आ रहा है, तो इवन फंक्शन बन गया। तो इवन फंक्शन बन गया तो इंजेक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि इवन फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता, तो बी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया आपका। ठीक है ना, और रेंज बेटा इसका बन जाएगा लॉन टू से इनफिनिटी, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, सो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी करेक्ट। ठीक है बेटा, पहला और चौथा इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे एक्स को जीरो रखे देखा तो यहाँ पे क्या देखो, ये एक्स को जीरो रखे देखा तो बेटा यहाँ से अपने पास ये भी एक बन जाएगा, ये भी तुम्हारा एक बन जाएगा। ठीक है ना, तो लॉन टू से बेटा इनफिनिटी के अंदर आपका इसका रेंज चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर से आर में डिफाइंड आपका, ठीक है, फंक्शन आपका क्या है, इवन फंक्शन है, तो जैसा बेटा इस साइड में होगा ग्राफ वैसा साइड में तुम्हारा ग्राफ बनेगा, तो जीरो में सब छोटा जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा पांचवा, सातवां सवाल देखिएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन, ठीक है, कैन टेक्स मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा इसको पहले आप ढंग से लिख लीजिएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या, थ्री एक्स प्लस वन, अपन इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा थ्री एक्स प्लस वन, इसका होल स्क्वायर तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस दो, तो प्लस वन कर दिया मैंने, ये बेटा मेरे यहाँ बन गया आपका वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन प्लस एक बटा थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मैक्सिमम कब लेगा बेटा, ये मैंने मान लिया कि टी मेरे पास यहाँ पे क्या थ्री एक्स प्लस वन आ गया, तो बेटा ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, एक बटा टी प्लस एक बटा टी। ठीक है, तो मैक्सिमम कब आएगा बोलो बेटा, जब टी का मान क्या होगा, एक हो, मतलब ये आपका टी टी बराबर टी के ना, टी बराबर क्या आपका हो, वन बाई टी हो, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर क्या बन गया आपका, एक बन गया। ठीक है, तो टी का मान इधर एक, टी क्या आपका थ्री एक्स प्लस वन, तो या तो इसका मान एक या इसका मान माइनस एक, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या बन गया बेटा जीरो, और यहाँ पे एक्स का मान क्या बन गया अभी माइनस का दो बटा तीन। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पाया बेटा, has no solution than range of, sorry, has no solution than range of p contains। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि इसको क्या होना पड़ेगा बेटा बोलो भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इट शुड बी फ्रॉम जीरो टू वन। ठीक है, और बेटा चार वाई स्क्वायर माइनस एक, कोटिनस का डोमेन क्या होता है, इट शुड बी फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव। ठीक है, और बेटा x का मान यहां से क्या है बोलो बेटा, एक से बड़ा जाएगा। ठीक है ना, x का मान आपका एक से बड़ा आ गया। ठीक है, तो यार इन तीनों को एक साथ अपन देखें, तो यहां से x का मान एक से बड़ा आ गया, तो यहां से y क्या बन गया आपका जीरो, y जीरो बन गया, तो ये बेटा क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे क्या है, कोई हल नहीं आएगा यहां पे ना, और p वहां पे क्या होगा, p का कोई हल नहीं, तो p यहां से क्या भी किसी p के लिए कोई हल नहीं आएगा, तो p बिलोंग्स टू r, तो उसने क्या बोला है रेंज ऑफ पी कंटेंट्स, तो पी क्या करेगा भाई, सभी को कंटेंट कर जाएगा, इसको भी कंटेंट कर जाएगा, इसको भी कर जाएगा, इसको भी कर जाएगा, इसको भी कर जाएगा, चारों कंटेंट कर जाएगा, तो ऑल फोर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ आठवें सवाल पे, पर इसका बेटा ग्राफ बना लो आप, एफ एक्स का यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा देखिएगा अभी, जब एक्स हमारा पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा ई की पार माइनस एक्स माइनस ई की पार एक्स, जब एक्स आपका नेगेटिव है, जब x आपका बेटा क्या x पॉजिटिव, तो ये p की पावर माइनस x की पावर x। ठीक है ना, और x नेगेटिव बेटा वहाँ पे क्या बनेगा बोलिएगा,
ये बन जाएगा e की पावर माइनस, तो प्लस हो जाएगा e की पावर मोड x, e की पावर माइनस x, ठीक है ना, ये से कट गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ अपने पास एफ एक्स क्या बनेगा, देखिएगा बेटा e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x, जब x क्या आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और बेटा x आपका जब नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो बन गया। अब इसका ग्राफ बना लो बस आप, तो जीरो में क्या बनेगा, नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव में क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव में क्या बनेगा, देखिएगा जीरो पे जीरो, और बेटा एक पे नेगेटिव क्या बन जाएगा आपका, इनफाइनाइट पे जाके ये जीरो ये माइनस, तो बेटा ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ इज जीरो से इनफाइनाइट, रेंज ऑफ एफ इज माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ठीक है, सही बात है, ठीक है। एफ इज मेनी वन, एफ इज मेनी वन ऑन टू, तो ऑन टू तो बेटा नहीं है आपका, क्योंकि आर से आर में, तो मेनी वन इन टू, ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, है ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आ जाओ सवाल नंबर, अब बेटा इंटीजर टाइप में आ जाओ, इंटीजर टाइप में मेरे पास ये सवाल है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस ऑफ पी माइनस एक, आपको बच्चों इसका वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको बेटा ब्रेक कर लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सवाल लेंदी रहेगा बेटा ये, इस वाले पार्ट को बेटा अपन ब्रेक करके देखते हैं पहले ना, इस वाले पार्ट को बेटा ब्रेक करके देखते हैं। तो यहां से क्या बनेगा अपने पास, ये पार्ट ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक बटा, इसको मैं लिख दूंगा एक प्लस एन प्लस वन इन टू एन प्लस टू, ठीक है, अपॉन इसको बेटा क्या लिख देंगे, एक अपॉन टेन इनवर्स एन प्लस वन गुणा वन अपॉन टेन इनवर्स, सॉरी मतलब टेन इनवर्स, आप समझते हैं इस बात को ना, तो टेन मतलब यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास ये बड़ा ऊपर वाला, तुम्हारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन बेटा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा अपने पास, वन अपॉन टेन इनवर्स वन अपॉन एन प्लस वन इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन एन प्लस टू, ठीक है ना बेटा, ये अपने पास बन जाएगा। अब अपन इसको देखें बेटा, तो अब मेरे पास यहां पे क्या बन गया बोलो बेटा, ये बन गया टेन इनवर्स एन प्लस टू माइनस का टेन इनवर्स, ये बच्चों हमारे पास बन गया टेन इनवर्स एन प्लस टू माइनस टेन इनवर्स, इसको अपन यहां से क्या बोल सकते हैं भाई, ये हमारे पास यहां पे क्या बन गया है, ठीक है बेटा, आप इसको ब्रेक करके देखेंगे ना अपने पास, तो यहां बन जाएगा तुम्हारे पास 12 आ जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, तो बेटा वो वाला फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा आपका, टेन इनवर्स वन अपॉन एन प्लस वन माइनस का टेन इनवर्स वन अपॉन एन प्लस टू, ठीक है ना। अब बेटा इस पर क्या करते हैं आप, इस पे आप समेशन n इक्वल्स टू जीरो से बेटा इनफाइनाइट लगा दें, तो बेटा यहां से अपने पास क्या बनेगा, टेन इनवर्स n को जीरो रखा तो पाई बाई फोर, ठीक है बेटा क्या बन गया, पाई बाई फोर, ये बेटा वन बाई थ्री सब कट जाएगा, और लास्ट में क्या अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, जीरो, तो टेन इनवर्स बेटा पाई बाई फोर बन गया। तो p का मान यहाँ से क्या बन गया बच्चों, p का मान बन गया आपका पाई, p का मान वास बन गया पाई, देन द वैल्यू कोस इनवर्स कोस पी माइनस वन, तो इसका यहाँ से वैल्यू क्या जाएगा बेटा, इसका मान तो आ जाएगा पी माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, तो p माइनस वन, पी का मान क्या है पाई माइनस वन, तो पाई माइनस वन, इसका जी एफ लेंगे हमारे पास क्या जाएगा, तीन पॉइंट दो पॉइंट समथिंग दो आ जाएगा इसका आंसर, तो बेटा इसका यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, दो आ जाएगा बेटा ना, दो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टू विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाऊँ, एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय द एरे टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है ना, पहले इसको सोल्व कर ले आप, तो बन जाएगा टेन, सॉरी
इसको पहले सोल्व कर ले बेटा, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या बेटा, पाई बाई टू है, तो टेन को उधर लिया बेटा, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई और टेन पाई बाई टू क्या बन जाएगा इन्फाइनेट विच इज वन बाई जीरो, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे एक्स वाई क्या बन गया आपका एक बन गया बेटा। अब बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द एनी टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है ना, विच विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन, बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लिया मैंने हाइपरबोला बनेगा, तो इसे किसी पॉइंट पे मैंने पॉइंट पी ले लिया विच इज टी कॉमा वन बाई टी, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव कर लो आप यहाँ से, तो वाई हमारे पास बन गया एक बटा एक्स, तो वाई डैश यहाँ बन गया बेटा माइनस का एक बटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्लोप क्या बन जाएगा बेटा इसका टी कॉमा वन बाई टी पे, इसका स्लोप बेटा यहाँ बन जाएगा माइनस का वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज तो वाई माइनस वाई वन बाई टी बराबर स्लोप क्या माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का टी। अब बेटा ये पॉइंट ए निकाल लो इसका, सॉरी टेंजेंट का, ये ए पॉइंट और इसका बी पॉइंट निकाल लीजिए आराम से बस, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ पे क्या है बेटा, जब वाई को जीरो कर दिया, वाई को जीरो कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का वन बाई टी बराबर माइनस का वन बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का टी, तो इसे कट गया आपका ही, तो टी बराबर एक्स माइनस का टी, तो एक्स का मान क्या आएगा टू टी, तो टू टी कॉमा जीरो, और बी के लिए क्या कर दें बेटा एक्स को जीरो कर दें तो बन गया वाई माइनस का वन बाई टी बराबर ये बन जाएगा वन बाई टी, तो ये बन गया जीरो कॉमा टू बाई टी, ठीक है। तो बेटा ये दूरी आपके पास आ गई टू टी, ये दूरी तुम्हारे पास बेटा आ गई टू बाई टी, तो एरिया क्या जाएगा आपका, एरिया क्या जाएगा बेटा वन बाई टू इंटू टू टी इंटू टू बाई टी, तो टी से टी कट गया टू से टू कट गया, तो आंसर क्या बनगा बच्चों टू, तो इस वाले सवाल का आंसर क्या बनगा आपके पास टू बन गया, ठीक है, एरिया क्या बन जाएगा तुम्हारे पास टू बन जाएगा, ठीक है, एरिया विल बी टू, एरिया विल बी टू, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल देखिए बेटा, दिस सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर विच दिस वन है ना ऐसा है इज वेल डिफाइंड, तो बड़ा ये डिफाइंड कब होगा, जब इसका मान क्या माइनस एक से प्लस एक में आएगा, मीन्स यहाँ पे क्या लोग है ना 1000 x पार्ट 3 अपॉन 1000 में, ठीक है ना, तो पहले इसको अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, तो log 10 बेस, ठीक है, ये बन गया आपका log 10 बेस 3 और ये भी क्या बेटा x बाई 10 की पावर 3, तो यहाँ बेटा 3 से 3 कट गया आपका, तो ये बन गया log 10 बेस x बाई 10, ठीक है, इज वेल डिफाइंड। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा बोलो, log 10 बेस, ठीक है ना, x बाई 10 को बेटा मुझे यहाँ पे क्या लेके आना होगा, माइनस एक से लेके प्लस एक में लेके आना होगा, तो यहाँ पे एक बटा टेन से क्या बेटा, एक बटा टेन से आपका एक्स बाय टेन क्या अभी एक में रहेगा आपका, तो टेन से गुणा कर दो, तो एक से लेके बेटा एक्स कहाँ पे रहेगा आपका, अभी कहाँ पे रहेगा बेटा, यहाँ पे दस आएगा ना, एक से लेके बेटा सो में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब एक से लेके सो तक के सभी इंटीजर्स का सम निकाल लो पहले आप, तो क्या जाएगा बेटा बोलो, एक से लेकर 100 तक का सभी इंटीजर का सम निकालना है, एक दो तीन अप टू 100 बेटा, ठीक है, तो यह बन जाएगा 100 गुणा 101 बटा 2 सॉरी 100, तो ये बनेगा 50, तो इसका मेनू बेटा बटन होगा बेटा 50 50, ठीक है ना। अब सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, डन दस के का मान बेटा गया 5050, ठीक है ना। अब पूछा है कि डन सम ऑफ डिजिट ऑफ के इज, तो 5 5, तो 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0, तो सम क्या बन गया आपका 10 बन गया, ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या बन गया बेटा 10, ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या बन गया बेटा 10। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एफ एक्स बेटा आपको दे रखा है, ये दे रखा, ठीक है, सच दैट दिस वन, ठीक है, एंड दिस सम ऑफ, थोड़ा आपको पता है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ कट करेंगे बोलो बेटा, वाई बाय एक्स लाइन पे कट करेंगे यार, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इट शुड बी एक्स, तो यहाँ पे बैलेंस कर लो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो टू ए प्लस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बराबर जीरो। उसने पूछा बेटा द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस वन, तो बेटा रूट्स का सम क्या आएगा, दो रूट आएंगे अल्फा बीटा इसके, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे क्या बन गया बच्चों आपका, ये बन गया टू ए प्लस वन, और रूट्स का सम उसने क्या दिया बेटा,
51 दिया है तो इसको 51 के बराबर कर दो, तो ऐसे a का मान क्या बन गया आपका 25। देन वैल्यू ऑफ a पूछा, तो a का वैल्यू यहाँ से बेटा क्या बन गया आपका 25। वैल्यू ऑफ a यहाँ से क्या बन गया बच्चों 25। नेक्स्ट पर जाओ बेटा नंबर 5 पे। ये सवाल थोड़ा सा अपने के लिए क्या बेटा लेंदी रहेगा। ठीक है बेटा, तो अपने पास यहां पे क्या देखिएगा आपको बेटा ये दे रखा है, ठीक है, सॉरी ठीक है बेटा, आपको ये सवाल थोड़ा सा देखो भैया यहाँ देखो आपको बच्चों ये दे रखा अभी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3 tan inverse x प्लस 2 tan inverse 3x बेटा ये आपका बन जाएगा पाई बाई 2, ठीक है ना। देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म दिस वन, ठीक है। तो बेटा आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालना है ऐसे, ठीक है, ये निकालना है ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी का बच्चों मान निकालना है, ठीक है। तो बेटा अपने पास यहाँ पे क्या बन गया देखे भाई, ठीक है बेटा, मैं इसको एक बार के अल्फा मान लेता हूँ, इसको मैंने अल्फा मान लिया एक बार के लिए, इसको मैंने बीटा मान लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया 3 alpha प्लस का 2 beta दैट इज पाई बाई 2। ये बेटा मेरे पास क्या बन गया भाई पाई बाई 2 बच्चों बन गया, ठीक है ना। ये बेटा मेरे पास यहाँ पे पाई बाई 2 बन गया, ठीक है। जब बेटा ये तुम्हारे पास पाई बाई 2 बन रहा है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज tan 3 alpha इंटू tan 2 beta का मान बच्चों ये अपने पास क्या बनेगा बोलो भाई 1 बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। tan 3 alpha इंटू tan 2 beta का मान बच्चों बन जाएगा 1। अब tan 3 alpha क्या होता है बोलो 3 tan alpha माइनस tan क्यूब alpha अपॉन 1 माइनस का 3 tan square alpha इंटू बेटा ये tan 2 beta क्या बनेगा 2 tan beta अपॉन 1 माइनस का 10 square beta दैट इज 1। अब tan alpha का मान यहां से बेटा क्या 10 alpha का मान tan inverse x है, तो tan alpha मान यहां से क्या बेटा सॉरी tan inverse x आपके पास x है, तो tan alpha यहां से क्या बन गया आपका ये बेटा बन गया x, तो 3 into x minus x cube upon बेटा 1 minus का 3 x square into बेटा आपके पास tan inverse 3x का मान क्या बेटा, तो tan beta मान क्या बन जाएगा 3x, तो ये बन गया 3x upon 1 minus का 9x square equals to 1, ठीक है ना बेटा। अब इसको बैलेंस आप करेंगे है ना, बन गया आपका इसमें बाई क्वालिटी बन गया, अरे तो बाई क्वालिटी बन गई ना, तो बेटा बाई क्वालिटी आपके पास बन गई यहाँ पे, तो इसको अपन बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा ही 33x^4 माइनस 30x² प्लस 1 = 0। अब उसने क्या पूछा है एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से आप क्या मान लें टी मान लें बेटा, तो ये आपका क्वालिटी बन जाएगी 33t² माइनस का 30t प्लस 1 = 0 बेटा, है ना। अब इसके रूट निकाल लीजिए आप, ठीक है बेटा, इसके क्या कर लें आप रूट निकाल लें, तो रूट निकालने के बाद यहाँ से अपने पास क्या आएगा कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, तो बेटा उसका मान कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा तुम्हारा एक पॉजिटिव आएगा, तो बेटा टी है ना एक्स स्क्वायर का है ना, यहाँ से आपका जो मान आएगा उसको निकाल लीजिए आपका, ठीक है। तो तुम्हारे पास फाइनली इसका बेटा ए का मान तुम्हारे पास बनेगा यहाँ पे ए का मान बनेगा 15, ठीक है, बी का मान तुम्हारे पास बनेगा बेटा 8 और सी का मान बनेगा तुम्हारे पास 3 और बेटा डी का मान बनेगा तुम्हारे पास 33, ये मान बनेंगे, ठीक है। अब जोड़ दो दोनों को तो बन गया पास 15 बेटा, ये बन गया पास 36, 36 8, 44, 44 और 59, तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या बन गया तुम्हारे पास 59, ठीक है। तो बेटा ये अपने पास पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पेपर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी पेपर जरूर था, ठीक है ना, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ढंग से आपने कर लिया तो किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं थी, सवाल बिल्कुल हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, ठीक है, उनको आराम से अटेम्प्ट आपका किया जा सकता था, ठीक है ना। आई होप पेपर आपको बहुत अच्छा जा रहे होंगे, ठीक है, थैंक यू, जय सेल जी, ओके।